वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्माइल एंड रूला एंड फैमिली। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर ले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। जैसे कि आप सभी मेरे ब्लॉग देखते हो, मैं आपके कमेंट देखती हूँ, तो उसमें से मुझे एक कमेंट मिला कि आप यस वर्ड बहुत यूज करते हो, तो क्यों ना आज यस वाला चैलेंज ही हो जाए। यस वाला चैलेंज? यस। वो कैसे? मैं समझा दूंगी आपको। तो फ्रेंड्स, हमारा चैलेंज ये है, डैड सेज यस फॉर 24 आवर्स। ओ, 24 आवर्स? किसको? मेरे को। मम्मा ने भी तो ये चैलेंज किया था मेरे साथ। अच्छा, डैड सेज यस टू स्मैरा फॉर 24 आवर्स। पहले है मेरी पीटीएम, तो हमें पीटीएम अटेंड करनी होगी पहले, उसके बाद हम मार्केट चलेंगे। तो आप पहले पापा को चैलेंज बोल दो ना कि अगर मार्क्स कम आए तो आप मुझे डांटोगे। नहीं, बोलो यस। तो यूट्यूब फैमिली, एक्चुअली हम लोग, जैसे स्मैरा ने आपको बताया कि हम पीटीएम में जा रहे हैं, तो पीटीएम में जो स्मैरा के लास्ट एग्जाम हुए हैं वहां पर वो लोग हमें मार्क्स दिखाएंगे। तो अगर स्मैरा के मार्क्स कम आए इसलिए ये चैलेंज ये प्ले कर रही है। यस। कि मैं आपको डांटूंगा नहीं। यस। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बोलो। यस, मैं आपको डांटूंगा। मैं आपको डांटूंगा नहीं। अच्छा, मैं आपको डांटूंगा नहीं। ओके। बिकॉज मुझे पता है कि स्मैरा के मार्क्स अच्छे आएंगे। यस यस यस। मम्मा भी यस कर रही है, तो आपके साथ भी एक चैलेंज, क्योंकि मम्मा ने आपको पढ़ाया है ना, एग्जाम्स की तैयारी मम्मा ने तो करवाई थी, तो मम्मा को पता है कि मार्क्स तो अच्छे ही आएंगे। और पापा को स्मैरा पे फेथ है, पापा को मम्मा पे फेथ है। ये चैलेंज पापा के साथ है ना, पापा नहीं डांट सकते, मम्मा तो डांट ही सकती है। मम्मा आपको बताएगी फिर, एक बार मार्क्स देखते हैं। आज स्मैरा फंस गई मम्मा के सामने। तो चलो जल्दी से चलते हैं, टाइम हो रहा है। चलो जल्दी चलो 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 चलो, चलो। फ्रेंड्स, हम स्कूल में पहुंच चुके हैं और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ ऊपर अपने मार्क्स देखने के लिए। तो पापा तो मुझे डांटेंगे नहीं, पर मम्मा को पता नहीं, क्योंकि मम्मा गैस चैलेंज नहीं कर रही है। तो नीचे आकर मैं आप सबको मार्क्स बताऊंगी अपने। फ्रेंड्स, मैं पीटीएम से होकर आ चुकी हूँ और सारे सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, बस कन्नड़ा में 3-4 मार्क्स कट गए थे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। और अभी मैं कन्नड़ा सीख रही हूँ, मेरे लिए लिखनी भी मुश्किल है और मम्मा को भी नहीं आती, मम्मा फिर भी मैनेज कर कर मुझे पढ़ाती है। तो बाकी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं बताओ? 38, 39, 40 out of 40। यस। और स्मैरा के जी के वैल्यू एजुकेशन और कंप्यूटर में कितने आए हैं? फुल 20 out of 20, 25 out of 25। सिर्फ कन्नड़ा में 3-4 मार्क्स कटे हैं बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। वो तो होती रहती है, लैंग्वेज है ना। तो नेक्स्ट टाइम हम कन्नड़ा में भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ओके, वी विल इम्प्रूव। यस। तो अभी चले फिर पापा के साथ चैलेंज करने। यस, चलो। पापा देखो उदास बैठे हैं। फर्स्ट चैलेंज क्या करना है स्मैरा पापा के साथ? तो पापा, मुझे लग रही है भूख, तो आप मुझे कुछ खिलाओ। ओके, चलो। क्या खाना आपको? मेरे को खाना है मैकडॉनल्ड से बर्गर। सुबह सुबह बर्गर। चलो, चैलेंज है पापा से यस टू स्मैरा एंड पापा कांट डिनाई इट। ओ, बर्गर खाने को मुझे भी मिलेगा आज। स्मैरा को, नो आपको। क्यों, मैं मुंह देखूंगी स्मैरा का? स्मैरा बोल रहे कि पापा मम्मा को भी खिलाना है। बोल, आपको मम्मा को नहीं खिलाना। अब तो बिल्कुल भी नहीं खिलाना मम्मा को। तो पहुंच कर देखते हैं कि मुझे खाने को मिलता है या नहीं। मैं तो मैकडॉनल्ड्स पे पहुंच चुकी हूं और मेरा मन हो चुका है चेंज, अब मैं बर्गर नहीं खाऊंगी। क्यों? मेरा मन है, आपको तो यस करनी है ना। ओके, मैं खाऊंगी आइसक्रीम। ओके, वन फ्रेंच फ्राइज। ओके, चलो। थैंक यू। अरे, अब यूट्यूब फैमिली मैं ही हूँ।
आपकी आज मेरी तो हमारे फ्रेंच फ्राइज फिनिश हो चुके हैं, तो अभी मैं आपको आइसक्रीम टेस्ट करवाती हूँ। सब चीजें टेस्ट ही करवाएगी बस। किटकैट विद आइसक्रीम, वाओ सो यम्मी। आप खा लो, आप खा लो। ठंडी होता है ये तो। आइसक्रीम इतनी ठंडी होती है क्या? Yes. बट यम्मी है ना, यम्मी है। पूरा स्पेशली आइसक्रीम के साथ जो किटकैट केक छोटे छोटे पीसेस है ना, बहुत यम्मी है आइसक्रीम उसके साथ। मुझे तो ऐसे लगा मैंने किटकैट ही खाया बस। अब पापा ने मुझे फ्रेंच फ्राइज तो खिला दिए, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं खेलूं, क्योंकि वीकडेज पर तो हम खेल नहीं पाते हैं। तो पापा आप मुझे कोई ऐसी जगह पर लेकर चलो जहां मैं खेल पाऊं। क्यों ना पार्क चलें? नहीं पार्क नहीं, क्योंकि मम्मा मेरे को ऑलरेडी लेकर गई थी पार्क। ओके तो फिर कहां चले? पार्क के अलावा आप सोचो। मैं सोचूं? यस। अरे मेरे को क्या पता होगा बच्चों के लिए मस्ती करने की जगह कौन सी होती है। पापा आपको ही सोचना पड़ेगा क्योंकि ये यस चैलेंज है। हाँ तो मैं यस कर रहा हूँ ना आपको ले जाने की, तो लेकिन आप बताओ कहाँ जाना है। आप सोचो। सोचना भी आपने है। ओके ओके आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ओके ये भी यस के अंदर ही आता है कि पापा को हर बात माननी है, सोचना भी पापा ने है। ओके लेट मी थिंक, चलो चलते हैं फिर। ठीक है। अरे पापा आप तो मुझे मॉल में ले आई हो, मॉल में क्या मस्ती होगी? आप कर लो मॉल में मस्ती, आपने तो बोला था आपको पार्क नहीं जाना। यहाँ पर पार्क है? पार्क तो आपने जाना नहीं था ना। हाँ। तो इसलिए मुझे जो सही लगा मैं आपको ले आया। पर यहाँ पर मस्ती क्या होगी? सुमायरा शॉपिंग। शॉपिंग करने का मेरा मन नहीं है। थैंक गॉड इसने खुद ही मना कर दिया। करूंगी मैं। क्या खेलना आपको? स्लाइड्स। स्लाइड्स यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो नहीं है, पार्क में होती है। पार्क में आपने बोला, आपने बोला पार्क आपको जाना नहीं है। पर बहुत सारी प्लेसेस होती है। चलो चलो यहाँ आए, यहाँ पर देख लो क्या है, मस्ती कर लो, उसके बाद फिर कहीं चलते रहेंगे। सिंपल। पापा हमें 3D शो में लेकर चलो ना। चलो 3D शो देख लोगे आप सुमायरा? डर नहीं लगेगा आपको? चलो देखो फिर। हाँ। यहाँ पे डिफरेंट होगा। चलो कर लेते एक्सपीरियंस। अरे मैं तो पानी में स्विमिंग कर रही हूँ। वेरी गुड। कपड़े गीले हो जाएंगे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत डरावना था, वो जो स्नेक था ना वो ऐसे आ गया, डंग मार गया। डंग मार गया आपको? हाँ, कपड़े में सामने आ गया था। फिर आपको बाइट नहीं किया उसने? बाइट ऐसे तो कर दिया था, फिर वो पीछे चला गया। आपसे डर गया वो? फ्रेंड्स मैं सारा को लेकर आया हूँ इसकी स्पेशल प्लेस पे, जहाँ पर ये बहुत सारा फन कर सके। वो प्लेस का नाम भी है, अरे मैं तो भूल गई थी कि यहाँ पर तो फन होते हैं। भूल गए थे? अब पापा तो आपको ले आए हैं, अब कर लो फन अपना। मस्ती बहुत सारी। अभी तो वेटिंग है। चलो फिर करो स्टार्ट। की हाइट कम थी इसलिए कम स्कोर बने हैं, बट गुड। मैंने पंची की में बहुत सारी मिस्टी की। अब क्या करना है आगे? तो
आपके पास बहुत सारे टॉयज हैं ऑलरेडी। यार अभी तो 4 hours हुए हैं, पापा की बस हो गई। 20 hours पड़े हैं। तो आप क्या लेना? मैंने सोचा तो नहीं है, बस मैंने तो हमें देखा और मैं अंदर आ गई। फिर भी आपने कुछ तो सोचा होगा, भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई गेम चाहिए, कोई कार चाहिए, क्या चाहिए आपको? मेरे को कुछ गेम चाहिए, तो मैं देखती हूँ मेरे को कौन सी गेम पसंद आती है, बड़ा आप लेकर दूंगा। यस, लेकर दूंगा। कुछ महंगा वाला लेना। ज़्यादा महंगा भी मत लेना। ओ माय गॉड, एक ही प्लेस पे 5000 का झटका। पसंद आने पे है, क्या पता कोई 500 की आइटम पसंद आ जाए। ठीक है, देखते हैं। चलो ढूंढो फिर। ये देखो, नहीं दिया, आपको घर पर जाकर बताऊंगी। अब चैलेंज है सेइंग यस टू मायरा, तो हमें यस करनी पड़ेगी गाइस। पापा कभी आप मुझे लेकर चलो मैक्स में। मैक्स में जाता मैं अपनी ये शॉपिंग तो नहीं करती, पर मुझे आप लेकर चलो। चलो फाइनली मैंने पापा की शॉपिंग करवा दी है। वैसे तो पापा ही हमें करवाते रहते हैं शॉपिंग, तो आज मौका था, मैंने मौके पर चौका मार दिया। तो अभी क्या करना है? तो अभी हो चुका है लंच टाइम। ओके, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अच्छा सा पंजाबी खाना खाऊं। पंजाबी खाना खाना है, घर चलते हैं, मम्मा से बेहतर तो पंजाबी खाना कोई बना नहीं सकता। पर मम्मा के हाथ का नहीं खाना, क्योंकि वो तो हम रोज ही खाते रहते हैं। बोर हो गए हैं। है? बोर हो गए हैं मम्मी के हाथ का खाना खा खा के। हाँ। अरे क्या गजब बेइज्जती है, ऐसे नहीं बोलती कि मम्मा को छुट्टी दे देते हैं आज। चलो मम्मा को छुट्टी दे दो। चलो YouTube फैमिली, अभी मैं और स्मैरा और स्मैरा की मम्मी आए हैं एक फेमस पंजाबी ढाबे पर, जिसका नाम भी पंजाबी है और खाना भी पंजाबी है। तो नाम क्या है बता दो। ऊपर चल के ढाबा ही दिखा देते हैं, नाम क्या बताना? ठीक है, चलो। तो ये देखिए, हम लोग आए हैं एक फेमस पंजाबी ढाबे पर, यहाँ पर स्मैरा खाना एंजॉय करेगी। चारपाई में बैठ गई है, हमारे पंजाब में होती है ना चारपाइयाँ, यहाँ पे मिलती नहीं है, तो हम ऐसे प्लेस पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, फीलिंग आ जाती है पंजाब। यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। किसान किस चीज में यूज करते हैं? खेती बाड़ी करता है। ओके, और यहाँ पर ढाबे का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मैं ही आपको नाम बता देती हूँ। इसका नाम है बठिंडा जंक्शन। तो हम देख रहे हैं कि अभी हम क्या खाएंगे। ये लिखा हुआ है बठिंडा जंक्शन, मेन्यू पे लिखा हुआ है, ढाबे पे कहीं नहीं लिखा हुआ। ये है पंजाबी सेलिब्रिटीज, और यहाँ पर लिखा हुआ है बठिंडा रिक्रिएटेड इन बेंगलुरु। तो जल्दी से खाना ऑर्डर करते हैं, फिर आपको भी खिलाएंगे। हमारी मील आ चुकी है, और ये साउथ मील नहीं है, ये है पंजाबी मील, क्योंकि हम आए हैं पंजाबी ढाबे पर। तो ये है तंदूर वाली रोटी, राइस, कढ़ी, दाल, मखनी, मेरी फेवरेट, ये है पनीर, ये है कर्ड, और ये मेरे फेवरेट आलू वाले परांठे, ये है प्याज। आप क्या खाओगे? मैं खाऊंगी आलू वाला पराठा। मील नहीं खाओगे आप? पंजाबी मील, पंजाबी मील भी खाएंगे, पहले मैं ये तो यूट्यूब फैमिली को टेस्ट करवा दूं। करवाओ।
इधर आने दो, इधर इधर। अरे नहीं नहीं नहीं, आज मैकडॉनल्ड्स पर भी आपने यही किया। यम्मी, थैंक यू सुमायरा। अब आप अपना खाना एंजॉय करो, पंजाबी खाना। फ्रेंड्स, हम घर पर पहुंच चुके हैं और आते ही मैंने चेंज भी कर लिया है। पापा और मम्मा तो समर के कपड़े पहन कर गए और मेरे को बोल रहे हैं स्वेटर पहनो, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने आते ही चेंज कर ली क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने छूट रहे थे। तो मम्मा, आप एक काम करो, जो हमने ब्लू और रेड चैलेंज में एक चिली लेकर आए थे ना, रेड चिली, यस, हाँ, उसकी चटनी बनाओ। क्यों? मेरा मन कर रहा है और तीखी वाली बनाना। आप खाओगे? मैं पापा को खिलाऊंगी। क्यों? क्योंकि पापा तो तीखी वाली खाते नहीं है, पर आज तो खानी पड़ेगी ना। ओह, ये चैलेंज का पार्ट है? यस। क्यों? पापा रेड चिली की चटनी तो खाते ही है। खाते है, पर स्पाइसी वाली तो नहीं खाते ना। अब मैं सजा दूं अपने पति को? ये तो गलत बात है। आपको भी यस करनी पड़ेगी, आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, 50 सिट-अप्स करने पड़ेंगे। और मम्मा, आप चटनी की रेसिपी भी शेयर कर दो, क्योंकि जब हम चिली लेकर आए थे आपने बोला था यूटी फैमिली को कि हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, तब तक मैं कर लेती हूँ रेस्ट, आप जाकर चटनी बनाओ। ठीक है। ये हैं हमारे सारे इन्ग्रीडियंट्स, 2 टमाटो, 1/2 अनियन, गार्लिक, जिंजर एंड 1 रेड चिली, क्योंकि बहुत तीखी होती है तो एक ही काफ़ी है। यहाँ हमारी दाल बन रही है, तड़का लग चुका है, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको ग्राइंड, फिर इसको करेंगे देसी घी में फ्राई। चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है और इधर देसी घी भी गर्म हो गया है, देखने में तो बहुत तीखी लग रही है। फ्राई होने के बाद देखते हैं कितनी तीखी बनी है। और मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दी हैं थोड़ी सी, ताकि टेस्ट आ जाए। जब तक चटनी बनती है हम करते हैं पापा के साथ थोड़ी सी मस्ती। पापा, ली द फोन। अब क्या मस्ती करनी है? स्नेक एंड लैडर खेल। किसके साथ? आपके साथ। आपको? मेरे साथ? यस। क्यों? यस करना है आपको। यार मैं भूल जाता हूँ बार बार। भूलना नहीं है, से यस टू डॉटर फॉर 24 आवर्स। कलर लो एक। I like red color. I like pink तो है नहीं, अब मेरे को ये लेना पड़ेगा का कलर। YouTube family, सबसे अच्छी चीज देखिए डाइस साइज में कितना बड़ा है, और बोर्ड देखिए जो स्नेक एंड लैडर का है बहुत स्मॉल है। इसकी खासियत ये है कि जब ये यूनिक चीजें देखती है ना मार्केट में, ये ले लेती है। स्मायरा बताओ इसमें खासियत क्या है ऐसा? इसका फीचर ये है, गर्ल्स के लिए है लिप ग्लो। तो स्मायरा ने ये कहाँ से लिया था? अबोहर से, पंजाब से। जब हम गए थे शादी पे तो वहां पे मार्केट में दिखा और ले लिया। और गेम खेलने के लिए छोटा सा डाइस पता नहीं कहाँ का कहाँ होता है, मिलता नहीं है, तो इसी से हम गेम्स खेल लेते हैं। यस यस, खेली थी ना सेंटा। यस, सेंटा वाली वीडियो में। यस, और मैंने शादी पर यही लगाया था। चलो स्टार्ट करो फिर अपनी गेम। चलो। अब मेरे को ये डर है कि मैं इसको फेंकू और पूरा लिप ग्लॉस में टूट जाए। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, आराम से फेंको ना। 5, 5, 6, धीरे। 1, 1, 1 पे तो आगे थी, 2, 2, हाँ 3 पे 2, 6, 1 निकलो। 1 पे मैंने कहा 1 2 पे आ जाओ। अच्छा 1 है ना, 2 पे आ गई। पापा को सांप काट चुका है और पापा नीचे नहीं ला रहे हैं। स्टेयर तो बड़ी जल्दी चढ़ गए थे। हां 1 80 स्टेयर फिनिश। पापा जीत गए गेम। दोबारा से खेलो। ये क्या मतलब? एक ही बार खेलना था। हाँ, बार बार थोड़ी ना खेलेंगे। पापा इज द विनर। हम कौन सा यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं जो दोबारा खेलो। चलो क्लैपिंग करो पापा के लिए। पापा सुबह से पनिशमेंट ले रहे हैं, एक गेम जीत गए हैं, तो आपको भी खुश होना चाहिए ना। यस।
आगे क्या करना है? आगे पापा आप मुझे खिलाएंगे अपने हाथों से खाना। क्यों, आप खुद नहीं खा सकते? खा सकती पर ये यस चैलेंज है ना पापा, करो यस। यस यस, मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाऊंगा। मम्मा खाना बना तो ले पहले। खाना रेडी है? खाना रेडी हो गया। यस yes. तो मम्मा आप यूट्यूब फैमिली को दिखाओ कि आज आपने क्या बनाया है। मैंने बता तो दिया, चटनी बनाई है। साथ में दाल सब्जी क्या है? क्या है बता देते हैं क्या है। चलो किचन में आपको भी दिखाती हूँ और यूट्यूब फैमिली को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। आप जाओ, आप भी आ जाओ, खाना सर्व करो, फिर मैं सर्व भी पापा करेंगे। आज टेबल पे खाना भी पापा लगाएंगे। रोज मम्मा लगाती है। हाँ आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। हाँ छुट्टी जब बना तो लिया मैंने, तब भी छुट्टी देनी थी ना। चलो दोपहर को दी तो थी। हाँ दोपहर को भी दी है। फिर रात रात को थोड़ी ना छुट्टी देते हैं। ऐसे बाहर को खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द होगा। दोपहर को ये नहीं सोचा। आप ज्यादा नहीं खाना ना बाहर का, तब तो हम थे बाहर ना इसीलिए खा लिया। चलाओ फिर मैं दिखाऊं मैंने क्या बनाया है। आ जाओ पापा, आप भी आ जाओ, सर्व करते रहना साथ साथ। ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी ही है और बहुत तीखी है, इसमें से भी बच जाएगी। और ये है हमारी छिलके की दाल। फ्रेंड्स पापा मेरे लिए खाना लेकर आ रहे हैं, चलो अब खिलाओ मेरे को। तो ये है स्मायरा के लिए गर्मा गर्म दाल तड़के वाली, चटनी स्मायरा भी खाएगी। यस स्मायरा जब छोटी थी ना तो ये वाली चटनी ना ब्रेड के अंदर डाल के खाती थी। yes. अभी भी मैं खाती हूँ पर आज थोड़ी स्पाइसी होगी। नहीं है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है। नहीं है, आपको लगता है मम्मा ने स्पाइसी बनाई होगी? मैंने बोला था ना पापा के लिए स्पाइसी, बोला था लेकिन नहीं बनाएगी मम्मा। टेस्टी चटनी, स्पाइसी है थोड़ा सा लगता है पर है नहीं। थोड़ा सा लगता है पर है नहीं, मैनेजेबल है। इसको स्पाइसी लगेगी क्योंकि ये खाती नहीं है ना रेगुलर। दाल कैसी है? खा लो अब, आप खा लो। यस फॉर 24 आवर्स। यस फॉर 24 आवर्स, राइट। सैलेड भी खिलाओ इसको। ये देखो रेडिश और कुकुम्बर, इधर है अनियन। मैं खाऊंगी कुकुम्बर। स्मायरा की तो मौज हो गई है। फ्रेंड्स हमने डिनर कर लिया है और अभी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि मैंने पापा के साथ ढेर सारी फन मस्ती की। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पापा को क्या लेकर दिया है और पापा ने मुझे क्या लेकर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पापा को क्या लेकर दिया है। ये है पापा के लिए शर्ट ब्लैक कलर की, मैं तो पूरा कवर हो चुकी हूँ। पापा के पास ब्लैक शर्ट नहीं थी, ब्लैक टी शर्ट थी। yes. इसीलिए स्मायरा ने बोला कि पापा इस बार शर्ट ले लो आप। आई लाइक इट, ये मेरी चॉइस है। और पापा मना कर नहीं सकते थे। मैं तो बोलती रहती हूँ जब भी हम जाते हैं शॉपिंग करने या मॉल में वैसे घूमने, तो स्मायरा के पापा को बोलते रहते हैं ये ले लो, अच्छी शर्ट है, पैंट ले लो, ये जैकेट ले लो। नहीं नहीं मेरे पास है, नहीं नहीं मेरे पास है। आज फिर स्मायरा ने चैलेंज दिया तो ना कर नहीं सकते थे। यस yes. और मैंने पापा को लेकर दिया है एक पैंट ब्लू कलर की। ये भी डिस्प्ले करके दिखाएगी। हाँ ठीक है, बस यही लेकर दिया है, कुछ और भी है? बस फिर भी मैं देख लेती हूँ। पापा ने इतना ले लिया बहुत है। खाली हो गया। अब ये जो मैंने पापा को लेकर दिया है ये भी ले लिया, और जो पापा ने मुझे लेकर दिया है वो है पापा की केस। सेट का क्लोज आ गया, क्रिसमस तो चला गया, तो सेंटा क्लॉज कैसे आ गया? पेपर पड़े थे उनके पास, यूज तो करने है ना उन्होंने। यस ये है स्मारा के लिए गिफ्ट। ओ ये क्या है, आपने देखा नहीं था?
देखा था, लेकिन यूट्यूब फैमिली को तो बताओ ये क्या है। ये है फ्रॉग, ये हमारे प्लांट में आ जाते हैं। हाँ तो उसका फ्रेंड ले आए हम। अभी दोनों मिलकर खेलेंगे। खेलेंगे या वो इसको देख के डर के भाग जाएगा। उस वाले फ्रॉग को भगाने का यही तरीका है कि अब हमारे घर पे भी फ्रॉग है, तू मत आया कर, तेरे को खा जाएगा। सही बात है, पर मैंने पढ़ा है कि स्नेक फ्रॉग को खाता है। स्नेक फ्रॉग को खाता है तो क्या हम स्नेक लेकर आए? नहीं नहीं नहीं। ये इसने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा था ना। yes. फूड हैबिट्स। यस, फूड चेन। फूड चेन, चलो छोड़ो फूड चेन, पहले ये दिखाओ यूट्यूब फैमिली को। ओपन करो। मेरे को तो आर्टिफिशियल कोई देख कर डर लग रहा है। विलेज में होते थे हमारा फ्रॉग, जब हम बचपन में विलेज जाते थे ना, वहाँ पे बहुत फ्रॉग आते थे बारिश में। और इसकी हम टेस्टिंग कब करेंगे? क्योंकि हाँ, क्योंकि इसमें सेल डालना बाकी है एक। तो इसकी टेस्टिंग हम करेंगे फिर किसी और व्लॉग में, फिर आपको पता चलेगा कि समायरा ने ये फ्रॉग क्यों लिया है, मतलब कि पापा ने क्यों चूज किया ये फ्रॉग समायरा के लिए। आपने हमारे एक व्लॉग में देखा था कि पापा ने मुझे स्विमिंग पूल गिफ्ट दिया था, तो वो अनबॉक्स नहीं कर पाए क्योंकि एक साल हो गया, यहाँ पर गर्मी आने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पे गर्मी सिर्फ एक महीने के लिए होती है। yes. अप्रैल, और अप्रैल मिड से लेकर मई मिड तक। yes. तब हम ओपन करेंगे और आपके फाइनल एग्जाम्स भी हो जाएंगे। yes. फिर हम ढेर सारी मस्ती करेंगे पूल में, और अगर हम बीमार भी हो जाएंगे कोई बात नहीं क्योंकि छुट्टियां होंगी। तो एनीवे, ये है स्मैरा का छोटा सा गिफ्ट जिसकी हम टेस्टिंग करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। फ्रेंड्स, ये था हमारा व्लॉग डैड सेज यस फॉर 24 आवर्स। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।